अगर आप सोशल मीडिया पर है तो आपने भगवान शिव की ये मूर्ति जरूर देखी होगी। भोलेनाथ की यह प्रतिमा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। इतना ही नहीं, अरब सागर के किनारे स्थित यह मूर्ति विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिव की मूर्ति है। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं कंडुका की पहाड़ी पर स्थित मुरुदेश्वर मंदिर की यात्रा पर। जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? मैं शिखा। आपको बताऊं, यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ मंदिर बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाएगा। आपको बता दें कि यह मंदिर कर्नाटक के कन्नड़ जिले के भटकल तहसील में स्थित है। भटकल से मुरुदेश्वर करीब 15 किलोमीटर दूर है। वैसे तो मुरुदेश्वर में रेलवे स्टेशन है, जहां के लिए आपको देश के कई शहरों से सीधी ट्रेन मिल जाती है। लेकिन अगर आपको मुरुदेश्वर के लिए सीधी ट्रेन ना मिले तो आप भटकल तक की ट्रेन ले सकते हैं। भटकल रेलवे स्टेशन का कोड BTJL है और मुरुदेश्वर रेलवे स्टेशन का कोड MRDW है। तो वहीं मुरुदेश्वर पहुंचने के लिए सबसे करीबी हवाई अड्डा मैंगलोर में है, जो मंदिर से करीब 160 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसके अलावा मुरुदेश्वर गोवा के हवाई अड्डे से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। आपको बता दें कि मुरुदेश्वर नेशनल हाईवे 17 पर स्थित है, जहां कोची, मुंबई और मंगलुरु से बस या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। कर्नाटक के फेमस तीर्थ स्थल गोकर्ण से मुरुदेश्वर लगभग 55 किलोमीटर दूर है। गोकर्ण भी ट्रेन और सड़क मार्ग द्वारा देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। तो आप कहीं से भी यहाँ आने का अपना प्लान बना सकते हैं। आपको बताएं कि मुरुदेश्वर मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ से समुद्र का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। यह मंदिर परिसर अपनी ऊंची शिव प्रतिमा के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जो लगभग 37 मीटर ऊंची है और भारत की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। चलिए अब स्टे की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन और मंदिर के पास आपको काफी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जो कि 500 रुपए से लेकर आपके बजट तक के आपको कमरे यहाँ मिल जाएंगे। अगर भोजन की बात करें तो यहाँ होता है महाप्रसाद, जिसे अन्न प्रसाद भी कहा जाता है। जैसे हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, लंगर खाते हैं, वैसे ही यहाँ अन्न प्रसाद होता है, जिसका समय दोपहर 12:30 बजे तक का होता है। इसके अलावा मुरुदेश्वर अपने दक्षिण भारतीय खाने के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ आप अपने दिन की शुरुआत इडली, वड़ा और डोसा की गर्मा गर्म प्लेट से कर सकते हैं। ये स्वादिष्ट व्यंजन आमतौर पर नारियल की चटनी, सांभर और कई तरह की उसी स्वादिष्ट चटनी के साथ परोसा जाता है। चलो अब यहाँ पहुँच गए हैं और रुकने की भी व्यवस्था हो गई है और खाने पीने की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि महादेव के दर्शन कैसे होंगे। आपको बता दें, सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक दर्शन होते हैं। उसके बाद 3 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव का रुद्र अभिषेक कराना चाहते हैं तो आपको 55 रुपए खर्च करने होंगे, जो कि 2 लोगों का चार्ज है। और आपको एक जानकारी देते हैं कि अगर आप रुद्र अभिषेक करा रहे हैं और उसकी जो पूजा की सामग्री है वो आपको खुद मैनेज करनी होगी। और आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि यहाँ पर रुद्र अभिषेक प्रतिदिन होता है। महादेव के दर्शन कर लिए हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ आसपास काफी फेमस चीजें हैं जिनको घूमने आप जा सकते हैं, लेकिन ये आपको बाद में बताएंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। आपको बता दें, भारत के कई अन्य मंदिरों की तरह यह मंदिर भी इस्लामी कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा। मुरुदेश्वर मंदिर का प्राचीन स्वरूप इस्लामी शासक हैदर अली के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद एक स्थानीय व्यापारी ने इसे दोबारा बनवाया। मंदिर की विशालता और भव्यता को देखकर ऐसा लगता है कि इसका निर्माण सरकार के द्वारा कराया गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल मंदिर में स्थित विशाल गोपुरा का जीर्णोद्धार और भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति का निर्माण स्थानीय व्यापारी और समाज सेवी आर्यन शेट्टी के द्वारा कराया गया है। मूर्ति के निर्माण में लगभग 2 साल का समय लगा और करीब 5 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि इस मूर्ति के शिल्पकार शिवमोग्गा के काशीनाथ हैं। भगवान शिव की मूर्ति को इस प्रकार बनाया गया है कि इस पर सीधे ही सूर्य की किरणें गिरती रहें और यह मूर्ति लगातार चमकती रहे। मुरुदेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरा स्थित है। द्रविड़ शैली में बने इस गोपुरे को राज गोपुरा कहा जाता है। यह 20 मंजिला इमारत के बराबर है और इसकी ऊंचाई लगभग 250 फीट है। चलिए अब जान लीजिए कि यहाँ आकर कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। मुरुदेश्वर बीच, स्टैचू पार्क, नेत्रानी आइलैंड, 20 किलोमीटर दूर अप्सरा कोंडा फॉल्स, मुरुदेश्वर फोर्ट, 90 किलोमीटर दूर जोग फॉल्स, जॉली बीच, 20 किलोमीटर दूर महागणपति मंदिर, चक्तीकल वाटरफॉल, 55 किलोमीटर दूर मरावंथे बीच। भाई साहब, कसम से इसकी खूबसूरती देखकर आप दीवाने हो जाएंगे।
इतनी सुंदर जगह बहुत कम देखने को मिलती हैं। यह बीच एक ऐसी अनोखी जगह पर स्थित है जिसके एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ सौपर्णिका नदी। इस फोटो को देखकर समझ जाओगे कितना सुंदर होगा ये। इन सब के अलावा सबसे बेहतरीन है 80 किलोमीटर दूर गोकर्ण, एक गांव जो अपनी खूबसूरती और बीचेस के लिए पूरे देश में फेमस हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों तक पहुंचाना। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमें बता सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।